नमस्ते, मेरा नाम जहीरुद्दीन जलाल, मुझे सब लोग बिच्छू जलाल बोल रहा है। 71 में मैं अजीमपुर वेस्टर्न हाई स्कूल का स्टूडेंट था, 9 नवम श्रेणी का छात्र था। 1 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी प्रेसिडेंट यहिया खान उसको नेशनल स्पीच में बोला, 3 मार्च जो अधिवेशन इधर होगा वो नहीं हो नहीं सकता, इसलिए हम बंगाली लोग सब स्लोगन देना है, वीर बंगाली अस्त्र धरो, बांग्लादेश स्वाधीन करो। ये स्लोगन लेके, जय बांग्ला स्लोगन देके हम रोड में नमने के बाद हम बंगबंधु के पास गया था। बंगबंधु बोल दिया हम बिना चैलेंज नहीं छोड़ेंगे। तो 7 मार्च 1971 सौराधी उद्यान में मेरा लीडर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्पीच दिया था। वो स्पीच में बोला, चार जो कुछ है सब लेके शत्रु का मुकाबला करने होगा। 25 मार्च पाकिस्तान आर्मी ढाका कैंटोनमेंट से ढाका सिटी में आके उसको ऑपरेशन करेगा, आदमी लोग को मार डालेगा। इसलिए हमारा मुकाम था स्कार्टन गार्डन। वो 25 मार्च मॉर्निंग में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का, लेफ्टिनेंट जनरल गुल, लेफ्टिनेंट जनरल हमिद खान, जनरल मिट्टी खान, राव फरमान अली, जो जनरल है, ब्रिगेडियर है, बहुत आर्मी सिक्योरिटी लेके कैंटोनमेंट से प्रेसिडेंट यहिया का पास आया था। प्रेसिडेंट यहिया खान वो टाइम प्रेसिडेंट हाउस में था, रमना पार्क का साइड में, और जुल्फिकर अली भुट्टो रहा था होटल कॉन्टिनेंटल होटल का 8th फ्लोर में। तो प्रेसिडेंट यहिया को देखा आर्मी ड्रेस में, वो पहला बार कैंटोनमेंट गया था आर्मी बेरी के आर्मी लोग को लेके। तो हम लोग मेरा पता का बंगबंधु का छवि लेके उसको धिक्कार दिया था, उर्दू में स्लोगन दिया था, लड़ के लेंगे बांग्लादेश, लड़ के लेंगे बांग्लादेश। तो विकल टाइम आ गया, हमारा पास खबर आया ढाका अटैक होगा, तो इसलिए हम बंगला मोटर, जो आज बंगला मोटर वो टाइम पाक मोटर था, हम लोग बैरिकेड उधर मजबूत से बैरिकेड दिया था, बहुत बड़ो एक बैरिकेड दिया था। ये बैरिकेड का पास हम मेरा फ्रेंड को लेके 1-2 हज़ार आदमी हम स्लोगन दे रहा है, वीर बंगाली अस्त्र धरो, बांग्लादेश स्वाधीन करो। और पाकिस्तान आर्मी का 57 ब्रिगेडियर जहां जे अरबाब बॉबी वो लोग उसको सोल्जर लेके आ रहा है आदमी को ऊपर छपा के पढ़ने का लिए। तो ब्रिगेडियर जहां जे अरबाब 14 पंजाब रेजिमेंट, 18 पंजाब रेजिमेंट एंड 22 बेलूस रेजिमेंट आर्मी एंड विथ सजवक कमांडो आर्मी लेके आ रहा है। वो लोग बैरिकेड का साइड में स्टॉप हो गया। वो वाले से पूछा लेफ्टिनेंट टिक्का का पास, सामने जो बैरिकेड है ये को टूटने के लिए तो इसका फायर करने होगा, आदमी लोग को मारने होगा। तो हम लोग जान सुन रहा है, वो लोग वाले से बोला कि बहुत स्ट्रांग बैरिकेड है, बहुत हज़ार पब्लिक है, क्या करेगा, आर्मी को गोली करने का हमको जाने होगा। तो हम लोग वही आर्मी का ऊपर स्लोगन दे रहा है, उसको बोल रहा है लड़ के लेंगे बांग्लादेश। तो वो सोल्जर, बैटल सोल्जर सब, क्या होगा मेरा मालूम नहीं। हम लोग निरस्त्र, वो लोग आर्म्स लेके सशस्त्र, वो लोग भी बेपरवा, हम भी बेपरवा। तो इसलिए रात 7:30 का पास हम शुरू किया था, 11:30 पास उसको हम इधर प्रतिरोध करना है। 11:37 टाइम में वो लोग पूरा ढाका शहर अंधकार था, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, टीवी स्टेशन दखल कर लिया, रेडियो ऑफिस भी दखल कर लिया। तो हमारे पास एक खबर आ रहा है, तो आर्मी हमारा 150 गज उधर साइड आर्मी, हम लोग इधर, तो हम लोग पेट्रोल बम छोड़ रहा है, स्लोगन दे रहा है, इसलिए आर्मी सब खड़ा हो चुका। वो लोग बैटल ड्रेस से सब उधर खड़ा के बातचीत करना है। सडनली वो आकाश में वो एक फायर किया था, अंधकार आकाश आलो हो गया, आलोकित तो हो गया। वो लोग तखन बोल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, या अली हैदर अली करके आर्म्स से गोली करना है। तो हमारा बैरिकेड में जो आदमी है वो लोग सब मरना है।
हमारा आँखों का सामने 400 आदमी उतार कत्ल हो गया, झर गया, मर गया, तो पाकिस्तान आर्मी सामने आके उसको आबार फायर करने के बाद, पहने चस करने के बाद ये जगह दखल कर लिया। तो हम साइड में लुकान लग गया। तो ये तरफ हम देखा है पाकिस्तान आर्मी आदमी को लेके खाली बैने चास करना है, ये है ऑपरेशन ससलाइट। तो पाकिस्तान में बैरिकेड टूट दिया, तो फर्स्ट ट्रिप्स चला गया मग बाजार से राजारबाग पुलिस लाइन, सेकेंड ट्रिप मेरा घर का नीच से रमना थाना पार गया था, और बी फोर्स चला गया ढाका यूनिवर्सिटी पार। तो हम लोग उधर से आके हमारा छातला बिल्डिंग था उसके छात में उठे, मेरा देखा फार्म गेट जल रहा है, कारवान बाजार जल रहा है, रेल लाइन बस्ती जो है सब आगुन से जला दे रहा है। मॉर्निंग में देखा हमारा मुकाम से चाकतला मुकाम से हम देखा पाकिस्तान आर्मी जो आदमी को मारा मुंह पर पेचा के, दूसरा आदमी वो लास्ट डेड बॉडी को 18 ट्रक डेड बॉडी वो उधर से उठा के लिए चला जा रहा है। बाद में फॉरेनर जो था होटल कॉन्टिनेंटल में सांबादिक, उसको पकड़ के लिए आर्मी लॉरी में भेजा, वो लॉरी कैंटोनमेंट का पास चला जा रहा। दूसरा जुल्फिकार अली भुट्टो जो होटल में था वो उधर से निकल के बाहर आया, पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेडियर साहब जहांगीर आरबे बॉबी का साथ वो जो जा रहा है हमारा घर का नीचे, वो आर्मी का साथ हैंडशेक किया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के बाद मुलाकात किया। तो हम देखा तो हम लोग वहाँ पर ही शपथ लिया जहाँ हमको बदला लेने होगा,